गुड मॉर्निंग क्लास, हम आपको चैप्टर 4 हमें बता रहे हैं, विकास बता रहे थे, है ना। ये हमारा रिवीजन है, रिवीजन में हम चैप्टर 1 आपको बता रहे थे, ठीक है। अब चैप्टर 1 जो है हमारा, चैप्टर 1 में हमने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया था, ठीक है। रिप्रोडक्शन में हमने रिप्रोडक्शन के 3 टाइप बताए थे, असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक, जिसमें से हमने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी जनन बता दिया, ठीक है। अब हमारा आज का जो टॉपिक है रिवीजन में वो है अलैंगिक जनन, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक, जिसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई सारी उसकी विधियां हैं, जैसे द्विभाजन होता है, द्विभाजन, ठीक। सबसे पहले हमारी जो आती है वो द्विभाजन होती है, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं उसको बाइनरी फीजन, ठीक। बाइनरी फीजन क्या होता है, द्विभाजन मतलब क्या है, दो भागों में बट जाना, है ना, या बाइनरी फीजन, ठीक। इसमें क्या होती है, एक कोशिकीय जीव में ये क्रिया पाई जाती है, ठीक है। इस क्रिया में जो जनक कोशिका होती है, मीन जो पेरेंटियल सेल होती है, पेरेंटियल सेल क्या होती है, बहुत सारी स्टेजेस होती है, और स्टेजेस चलने के बाद ही वो दो भागों में टूट जाती है, ठीक है। उसका जो केंद्रक है वो दो भागों में कन्वर्ट हो जाता है, और जो उसकी लेयर है, जो सेल वॉल है, वो भी उस क्या होती है, बढ़ जाती है दो भागों में। इस तरीके से वो क्या होता है, विभाजन की प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। जैसे हम अगर देखें, अगर एग्जाम्पल हम कहें इसका, तो अमीबा, अमीबा में क्या है, द्विभाजन की क्रिया पाई जाती है, ठीक है। अगर अमीबा का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो इस तरीके से कुछ अमीबा की संरचना होती है, ठीक है, इस तरीके से होती है ना। इसमें सुक्रेशन पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस, है ना। और अंदर पूरा क्या भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, ठीक है। वैसे बहुत बड़ा डायग्राम है हम, क्योंकि द्विभाजन बता रहे हैं, तो इसमें जिसका होता है वो केवल बता रहे हैं, ठीक है। और ये क्या हमारा जो अंदर द्रव भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये आगे चलता है, आगे क्रिया इसकी होती है, आगे क्रिया होने के बाद ये क्या करता है, धीरे से ये इसकी स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो जाती है, इस तरीके से बन जाती है, ठीक है। केंद्रक वही रहता है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में इस तरीके से संरचना बनती है कि लग रहा होता है कि वो दो भागों में टूटने जा रहा है या टूट रहा है, ठीक है। क्या होता है इसमें, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हो जाती है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक। मीन्स क्या है, इसमें जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इस तरीके से आ जाता है, ठीक, इस तरीके से न्यूक्लियस आ जाता है, इस तरीके से साइटोप्लाज्म। तो देखिए यहाँ से हमें लग रही है स्ट्रक्चर की ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है ना, या डिवाइड होने जा रही है, ठीक, इस तरीके से। और लास्ट जो स्टेज होती है, लास्ट स्टेज में क्या होता है, पूरी तरीके से एक जो अमीबा है वो दो भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, केंद्रक फिर से आ जाता है, साइटोप्लाज्म भी भरा हुआ रहता है, तो एक जो केंद्रक है, एक जो अमीबा था, ठीक है, वो दो भागों में टूट गया। यही एक का एक पेरेंटियल सेल थी, और पेरेंटियल सेल अगर दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाए तो वही चीज क्या कहलाती है, द्विभाजन या बाइनरी फीजन कहलाती है, ठीक है, समझ गए। तो ये एक से दो का निर्माण क्या कहलाता है, बाइनरी फीजन कहलाता है। आपको मालूम है कि अमीबा के अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए तो वो पर अमीबा एक नए अमीबी का डॉटर सेल का निर्माण करता है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो एक नए जीव का या ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये हमारा था बाइनरी फीजन। नेक्स्ट हमारा आता है विखंडन द्वारा, ठीक। ये जो कोशिका, ये तो क्या था हमारा, बाइनरी फीजन। दूसरा हमारा है विखंडन, ठीक है, विखंडन द्वारा। विखंडन द्वारा मतलब क्या होता है, इसमें क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है इसको, ठीक। इसमें क्या होता है, ये जो क्रिया होती है अधिकतर बहुकोशिकीय जीवों में होती है, ठीक है, जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनमें ये क्रिया पाई जाती है। इसमें क्या होता है, किसी भी सेल का शरीर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का शरीर क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है,
ठीक है, और एक पर भाग क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव की उत्पत्ति करता है। ठीक, एग्जांपल अगर हम कहें तो यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, ठीक, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, ये इसके मेन एग्जांपल है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका जो जनन प्रक्रिया है वो अलैंगिक प्रकार का जनन होता है, विखंडन द्वारा होता है। ये क्या करते हैं, दो भागों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें होती है प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, विखंडन प्रक्रिया होती है। इस तरीके से यूलोथ्रिक्स का डायग्राम बना हुआ होता है, ठीक है, इसी तरीके से बना हुआ होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इस तरीके से संरचना पाई जाती है। ये क्या हमारा है, ये हमारे जो स्ट्रक्चर लाइक होती है, जो संरचना होती है वो एच लाइक पीस होती है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एच पीस। ठीक, और जो हमारे ये है, ये म्यूसिलेज एक नामक एक पदार्थ भरा होता है। ठीक है, म्यूसिलेज पदार्थ भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, म्यूसिलेज। ठीक, क्या बोला जाता है, म्यूसिलेज कहा जाता है। ठीक, उसके बाद ये जब आगे चलता है तो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद ये क्या करता है, दो भागों में ये क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये संरचना होती है। ठीक, यहां से देखिए, यहां से क्या होता है, ये दो भागों में कन्वर्ट हो जाता है, दो भागों में पूरी तरीके से यहां से टूट जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ क्या करता है, दो भागों में टूट जाता है, और लास्ट स्टेज में क्या है, एक नए या दो नए यूलोथ्रिक्स का निर्माण कर देता है। ठीक है, इस तरीके से ये संरचना इसकी बन जाती है। एक मान लीजिए ये बन गया, और दूसरा हमारा क्या बन गया, दूसरा ये बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करता है, निर्माण कर देता है एक नए जीव का। ठीक है, इस तरीके से यूलोथ्रिक्स स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन की क्रिया है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक, या द्विविखंडन अभिक्रिया, या द्विविखंडन द्वारा किस तरीके से अलैंगिक जनन की क्रिया यूरोथ्रिक्स में संपन्न होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है बाइजेन्यूल। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, जेन्यूल का। अब जेन्यूल क्या होते हैं, कुछ पौधों की पत्ती और तना जो होता है, ठीक है, क्या होता है, बाइजेन्यूल। नेक्स्ट हमारा क्या है, बाई जेन्यूल। ठीक, इसमें क्या होती है, कुछ पौधों की पत्ती और तने, ठीक है, उसके अग्र भाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की क्या संरचना निकल आती है। ठीक है, संरचनाएं निकल आती है, यही संरचना को क्या कहते हैं, जेन्यूल कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे जो फिनेरिया है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हरे रंग की कुछ संरचना निकल आती है, पत्ती या तने के ऊपरी या अग्र भाग पर एक हरे रंग की संरचना निकल आती है, उसको क्या कहते हैं, जेन्यूल कहते हैं। मान लीजिए इस तरीके से है, तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर निकल आई ऊपरी अग्र भाग पर आगे। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर हमारी क्या कहलाती है, जेन्यूल कहलाती है। ठीक है, समझ गए। ठीक, और ये क्या करता है, प्रत्येक जेन्यूल क्या करता है, 10 से 12 कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जेन्यूल क्या होता है, उसमें किससे बना होता है, 10 से 12 सेल्स का जेन्यूल बना होता है। ठीक, और ये क्या करते हैं, अंत में मान, जैसे इस तरीके से हमने बताई ये स्ट्रक्चर था, इस तरीके से स्ट्रक्चर बताई, ये हमारा जेन्यूल निकल आया। तो ये क्या है, माध्यकोशिका से अभी चिपका हुआ है, लेकिन जब ये एक नए पौधे का निर्माण करना चाहेगा तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से अलग हो जाएगा और गिर कर एक नए पौधे का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो वो हमारी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, बाई जेन्यूल द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर कहें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्यूनेरिया। ठीक है, फ्यूनेरिया इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, तो आज हम इतना ही बता रहे हैं आपको। ठीक है, आगे हम बाद में बताएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपको रिवीजन कराएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।